आइए पधारिए ज्यूरिख में. ऑल थ्री ट्विनिंग इन व्हाइट एंड ब्लैक. रैपिंग हो जाती है मेरी. बॉम्बे का गार्बेज. स्वान को ठंडी लग रही है. फोटो ले फोटो ले. जॉगिंग कर रहे हैं हम लोग. उधर कितना होगा? Hi guys, what's up? Welcome back to my channel. Welcome back to another episode of Travel With Sara, where you and I, we travel together. Hum hai currently Paris mein and we are going from Paris to Switzerland. Meri maa ka dream place hai Switzerland. लोगों को लगेगा इसके कितने ड्रीम प्लेस है. सपने बड़े और बहुत सारे होने चाहिए. एक सपना क्यों होना चाहिए? बड़ी लंबी लाइफ है. हम करेंटली है गार ड्यू लियोन पे, विच इज अ वेरी बिग स्टेशन ओवर हियर. और हमारी ट्रेन का बोर्डिंग शुरू हो गया, बट पापा बाथरूम गए तो पापा आ जाएंगे. फिर उसके बाद वी आर बोर्डिंग द रेल यूरोप पे. मैंने मेरी टिकट्स की है. आज हम फर्स्ट डेस्टिनेशन ले रहे हैं ज्यूरिख. जो भी मैं सिटीज घूमी हूँ उसमें से ज्यूरिख इज ऑनेस्टली सच अ प्रॉपर सिटी. लाइक दैट्स द वर्ड, यू नो, इट्स प्रॉपर, इट्स सुपर सोफिस्टिकेटेड, वेरी ऑर्गेनाइज्ड, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज ऑल्सो. Really worth it to visit Zurich. Abhi, I think we should go. Yeah, tell Papa. Because hamari dekho, agar Papa agar. This is what the station looks like, and waha hamari boarding ho rahi hai from platform 9. TGV le raha that takes us from Paris to Zurich. One suitcase, 2 and 3. Hamare baaki ke suitcases humne. पहले अब तुम लोग बैठ जाओ, फिर मैं खाने के लिए लेती हूँ. अंदर जाएंगे. कौन बोला ऐसा? ऐसा सब नहीं होता है. होता है, ऐसे ही होता है. हम लोग अरे अरे एक्सपीरियंस. यस यस यस. इधर से ले ले कुछ तो. एक दो ट्रेन में कुछ नहीं मिलेगा खाने के लिए. हम बैठ चुके हैं हमारी टीजीवी लिरिया में, विच इज अ डायरेक्ट ट्रेन फ्रॉम पेरिस टू ज्यूरिख. नो स्टॉप्स. लगेज के लिए भी जगह थी, लगेज रख दिया है. नाश्ता मेरी माँ को नहीं मिला है, बट नाउ दैट शी सैट इन द ट्रेन शी इज हैप्पी. अब बहुत जल्दी निकला एक्चुअली. हम 7 बजे निकले सुबह और मेरे को बहुत जल्दी हो रखी है. सब जाम है. Leaving Paris. Bye, बोल दो पेरिस को. मम्मी का शुरू हो गया मंचिंग. ट्रेन में वही तो मजा है ना, चाहे वो कोई भी ट्रेन में जाओ. Alright, we are in Switzerland. स्विट्जरलैंड में आप बैग कहीं पे भी छोड़ के जा सकते हो. इधर कुछ भी पिक पॉकेटिंग का प्रॉब्लम नहीं है. ऐसा लग रहा है तुम पहुंच गई तुम्हारी ड्रीम. अभी वादियाँ नहीं दिखी तुमको. दिस इज द ट्रेन दैट यू टेक टू कम फ्रॉम फ्रांस टू स्विट्जरलैंड. इट्स सुपर फास्ट एंड वेरी कन्वीनियंट बिकॉज इट्स अ डायरेक्ट स्टॉप. यू डोंट हैव टू चेंज एनी ट्रेन टू कम टू ज्यूरिख फ्रॉम पेरिस इफ यू टेक टीजीवी लिरिया. एंड दिस इज द ज्यूरिख मेट्रो स्टेशन. यहाँ मम्मा वॉशरूम जाना है. स्टेशन देखो इनका यार, क्या खूबसूरत स्टेशन है, इतना बड़ा है. वी आर एट ज्यूरिख स्टेशन. मम्मी वॉशरूम गए. मुझे क्या नॉस्टैल्जिया हो रहा है ना इस स्टेशन का. लाइक आई हैव सच विविड मेमोरीज ऑफ टेकिंग सो मेनी ट्रेन्स फ्रॉम योर. इस बार भी हम ज्यूरिख को ही मेन हब रख रहे हैं एंड देन वी आर ट्रैवलिंग द एंटायर स्विट्जरलैंड फ्रॉम ज्यूरिख एज अ हब. बट जो लास्ट टाइम मैंने गलती की थी वो इस बार हम नहीं करे. लास्ट टाइम मैंने स्विस पास नहीं निकाला था, तो हर बार जब मुझे ट्रैम लेनी थी या ट्रेन लेनी थी आई वुड हैव टू रिमूव लाइक अ न्यू टिकट. और वो काफी त्रास होता है बिकॉज हर एक जगह आपको जाने के लिए वापस वापस टिकट लेनी पड़ती. काफी महंगा भी पड़ता है वो आपके लिए. बट दिस टाइम we've done the Swiss travel pass, all three of us, which is honestly like a passport within Switzerland. Har ek kona aap ghum sakte ho. Abhi hum tram lenge to go to our Airbnb. That also I can go because I have the Swiss pass. I don't have to remove a ticket for the tram. We can take all of these trains. Like you can see all these trains which are standing here. Yahan pe ek SBB khadi hai. Ye train aapko leke jayegi alag alag parts mein. Like agar aapko Mount Titlis jana hai, uske liye Engelberg jana hai, Lucerne jana hai, Interlaken jana hai, Grindelwald jana hai. Jahan bhi Switzerland mein jana hai, you can just go if you have the Swiss pass. So we've done an 8-day pass. I've done it via Head Out. It's super trust. And very very convenient because Head Out has all the best experiences listed in one place. इस बार मेरे पूरे ट्रिप का ही मैं Head Out पे जाके सारे bookings जो उनके website पे recommended थे, you read the reviews and do it. But Swiss travel pass is like something you don't even need reviews for. It's honestly super helpful. For all three of us, I've got one Swiss travel pass for 8 days, and you also get a longer, I think 15-day duration. I will link it नीचे for y'all. Actually, मम्मी का dream destination Switzerland काफी time से रहा है. So when I had come, I did not explore completely because मेरा हमेशा से था कि मैं मम्मी पापा के साथ आऊंगी तो पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करूंगी, विच इज वाई मैंने स्विस ट्रैवल पास किया नहीं था उस इंटेंशन से. बट ऑनेस्टली इवन इफ यू आर कमिंग फॉर लाइक अ शॉर्टर ड्यूरेशन, दैट विल अलाउ यू टू टेक द ट्रैम वेरी इजीली. नाउ यू विल सी हाउ वेल कनेक्टेड द ट्रैम ओवर हियर इज. लाइक यू डोंट हैव टू वॉक ओनली इन स्विट्जरलैंड, यू लिटरली हॉप ऑन हॉप ऑफ फ्रॉम द ट्रैम. सो आई लव
दिस स्टेशन हैज सो मेनी मेमोरीज फॉर मी, बिकॉज़ मैंने दिन में रात में इतनी सारी ट्रेन्स ली थी यहाँ से. इट्स बिग एंड ब्यूटीफुल. मम्मी अभी भी वॉशरूम में. नो, दे हैव कम आउट. नाउ वी विल गो टू आवर एयरबीएनबी. लुक एट द अमाउंट ऑफ ट्रेन्स दैट यू गेट फ्रॉम दिस स्टेशन. आप देख सकते हो कितना बड़ा हब है. एंड ये जितनी भी SBB की आपको लोगो दिख रही है ना, वो सारी स्विस रेल्स होती है. तो ये सारी स्विस रेल्स है, सुपर पंक्चुअल. ये देखो, ये उनका लोगो है स्विस रेल का. दिस इज द SBB का लोगो, जो मेरे स्विस पास पे भी अभी यही लोगो है. एंड ये सारी ट्रेन आपको अलग अलग जगह लेके जाएगी. लाइक दिस इज गोइंग बाजल की ट्रेन अभी तक आई नहीं है ये प्लेटफॉर्म पे, बट आएगी. ये भी बाजल से SBB हो जाती है. मम्मी अभी टेलीटबीज बन गई है. लग रही है ना ठंडी. अभी आप लोग सबने ग्लव्स पहन लिए, तो बहुत ठंड है इधर. चलो चलो, लेट्स गो टू ज्यूरिख. मम्मी को हम लोग ने उधर अकेला छोड़ दिया. मेरी वीडियो लेने आए थे तो अरे जस्ट लेफ्ट द बैग एंड शी स्टार्टेड मूविंग. डूड शी इज सच अ टेलीटब. I can't hear you through these earmuffs. It's so nice. Come, let's go. Guide us now, फटाफट. ये ट्राम है स्विट्जरलैंड की जो अभी हम लेंगे, और ये इंटरसिटी की ट्रेन है. मतलब आपको ज्यूरिख से जिनीवा जाना है या कोई और सिटी में जाना है उसके लिए. और दोनों चीज के लिए यू कैन यूज द स्विस पास इजीली. बिटवीन ज्यूरिख ऑल्सो यू कैन एक्सप्लोर, एंड इवन इंटरसिटी यू कैन एक्सप्लोर इफ यू हैव योर स्विस ट्रैवल पास. यू डोंट हैव टू रिमूव टिकट्स एट ऑल. अभी हम पहले हमारे ट्राम स्टेशन की ओर जा रहे हैं. ये जो ऊपर लिखा है ना पापा, वो स्टेशन है सिल्का है नंबर 4, ट्राम नंबर 4. हाँ, इधर की ट्रैम से ही आपको ट्रैवल करना है. मतलब चल सकते हो, बट कितना ही चलोगे दूर दूर एक्सप्लोर करने के लिए. ट्रैम इज सुपर्ब. ज्यूरिख में भी मुंबई वालों के जैसा खोद के रखा है. उन लोगों को मालूम था हम लोग हार है, तो हमको फील एट होम कराने के लिए खोद के रखा है उन्होंने. बारिश हो रही है अभी थोड़ी थोड़ी. ठंडी तो बहुत है. एस्किमो बन के चल रहा है. आउटफिट प्लानिंग का कुछ फायदा नहीं होता. वो पूरा झूम गया. दिसंबर में भी सेम ही ठंडी थी, मई में भी सेम. मम्मी के दो लेयर अभी चार हो गए. इतने आउटफिट प्लान करके आई थी इंडिया से. क्या होगा मम्मी अभी तुम्हारा? पहन लूंगी जब फोटोज निकालने गए तो आउटफिट निकाल दूंगी. कभी कैसे निकाली, ये हाथ में ना बहुत वजन हो रहा है उठाने, समझी? तो हमारे जान सबसे छोटा सूट किस दी तुमको. ये कितना स्लिप होता है सब जगह, तो मैं पकड़ रही हूँ. ऐसा हर स्टेशन पे वेंडिंग मशीन होता है अगर आपको ट्रैम के लिए टिकट निकालनी है, बट हर जर्नी से पहले एक एक निकालना पड़ेगा, विच इज क्वाइट द त्रास. सो सिंस वी हैव द पास, वी डोंट नीड टू. दिस इज आवर स्टेशन एंड दिस इज द, अच्छा ये स्क्रीन आपको नहीं दिख रहा है, बट जो सेकंड वाली ट्रैम है वो हमारी है. काफी ठंडी है. मेरा पुराना एयरबीएनबी इधर था गाइस. इतनी मस्त लोकेशन थी ना उसकी. मेरा अगर आपने पहले के स्विट्जरलैंड के व्लॉग्स देखे हैं, या दिस जो एंड द जूस, आई यूज्ड टू कम एवरीडे. दैट वाज द बिल्डिंग ब्रेकफास्ट एंड दिस वाज माय व्यू. इफ यू हैव सीन माय प्रीवियस व्लॉग्स, लिटरली खिड़की से ये व्यू था. सक्सेसफुली मेड इट टू आवर एयरबीएनबी एंड द डोर इज ओपन. आइए पधारिए ज्यूरिख में. दिस इज आवर एयरबीएनबी इन ज्यूरिख. ओह, दे हैव ओपन्ड द बेड एंड एवरीथिंग. थैंक द लॉर्ड्स. अच्छा है यार व्यू इधर से भी. मेरे को लगा छोटा सा होएगा, पता नहीं फोटोज में बहुत छोटा लग रहा था. सोफा कम बेड खोल के दिए, वरना याद है बार्सिलोना में कैसे खोल रहा था. ये वाले एयरबीएनबी से दिस इज आवर व्यू. इट्स स्टनिंग. दे ऑल्सो हैव अ हीटर ऑन, तो अच्छी खासी गर्मी है रूम में. इट्स अ बिगर स्पेस. इट्स द सेम होस्ट जिससे मैंने लास्ट टाइम मेरा एयरबीएनबी की थी, बिकॉज आई जस्ट मैसेज्ड हिम दैट आई एम कमिंग बैक. और वही वाला अवेलेबल नहीं है क्या? बिकॉज वो वाले का व्यू इतना सुंदर था, बट वो बहुत छोटा रूम था. सो इज लाइक इट्स नॉट फॉर थ्री पीपल, आई वुड हैव टू डू टू. एंड एनीवेज ऑन माय डेट्स दे वर नॉट अवेलेबल, बिकॉज दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ अ सीजन टाइम. लास्ट टाइम मैं ऑफ सीजन में गई थी जनवरी में. नोबडी रियली ट्रैवल्स आफ्टर न्यू ईयर. सो आई गॉट दैट अपार्टमेंट वेरी लास्ट मिनट विद दैट स्टनिंग व्यू, बट इट वाज रियली स्मॉल. लाइक लास्ट टाइम वो अपार्टमेंट इतना ही था जितना वो बेड है ना, उतना ही था. और ये किचन एरिया वॉज लिटरली देयर. राइट नाउ दिस इज ह्यूज फॉर द थ्री ऑफ अस. दे हैड अ सोफा कम बेड जिसको उन्होंने पूरा बेड बना दिया है. सो गुड फॉर मी. There's a heater over there. This is what the place looks like, stunning. And these are our views. नीचे ही मेट्रो स्टेशन है और नीचे मीग्रोस भी है, which is a supermarket. So lots of things in and around us and lots of cafes and restaurants also. जो इधर का होस्ट है ना वो बहुत स्वीट है. उसने मुझे बोला था कि you like the area, बहुत सारी चीजें है, don't worry. And the house is big for three of us. So I was like, cool. Thank you very much. मैं आपको जो जो बता रही हूँ मैं आपके लिए links description box में डाल दूंगी. I don't mention the price during the vlog because season to season prices keep changing. So I don't really know how much it will be when you try to book your holidays. So sare links aapke liye description box mein hai, you can check it out. But honestly this is really good value for money. Swiss German. Main bhi aayi thi, itni confused ho gayi thi, ye log kya bhasha bol rahe.
क्योंकि स्विट्जरलैंड में मेरे को नहीं मालूम था अलग भाषा होती है। We've come out for lunch to this restaurant जहाँ पे all day dining है, हमारे Airbnb के नीचे ही है। It's called Aero Quiz or something like that. अभी यहाँ पे मेरी स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन को प्लीज माइंड नहीं करना, मैंने स्कूल में स्विस जर्मन नहीं पढ़ी थी। We've come to do our mandatory grocery visit in every country we go. The first thing we do, avocados. एक ही ले रही हो? हाँ बस। पका हुआ है? हाँ पका हुआ है। I don't know why I feel like taking this like a recharge water. Cause I'm feeling मुझे बहुत सर्दी हो रही है। या तो फिर मैं immunity वाला लेती हूँ। Vitamin C, D. मेरी सर्दी जा ही नहीं रही है इतने दिन से। Immunity. ये। In a cup. Yogurt. दो का pack है I think ये। हाँ। कौन सा flavour है? Cherry yogurt. Cherry नहीं अच्छा। Raspberry, हाँ. Egg and then greasing and salt. This is this now. Swiss eggs. जो भी सस्ता है वो लो भाई, ये 3 euro का है वो लो। 4 वाला लो ना, 4.15 का। कितने 6 है? 6 6 2। वो 6 ही है, ये 6 ही है। हाँ। 2 दिन है ना? 2 दिन है। काला नमक in Switzerland guys। काला नमक। Vitamin काला नमक। वितम काला नमक। सॉल्ट वगैरह हम लाए नहीं घर से और Airbnb में भी है नहीं, तो हम यहाँ से ले रहे हैं। एक बार सिर्फ कंफर्म कर लेना प्रोनंसिएशन उधर। हमने सब तुक्का मार के लिए सब मिला। कंट्रीज में ना कहीं भी घी नहीं मिलेगा, मतलब घी का काउंटर नहीं होता। घी के लिए उन लोगों के पास इंडियन वो होता है, शॉप्स, इंडियन स्टोर्स होते हैं ना। The next morning. Good morning. It's day 2 in Switzerland. और आज हम बाहर जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए। कल बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी एंड द रेन्स ऑफ कोर्स मेक इट इवन मोर कोल्ड, सो इट वाज इम्पॉसिबल फॉर अस टू गेट आउट। सो इन द इवनिंग आफ्टर आवर लेट लंच जो हमने 6 बजे किया, जो यहाँ पे नॉर्मली डिनर का टाइम होता है, वी जस्ट केम इन द रूम एंड क्रैश्ड। आफ्टर द ग्रोसरी शॉपिंग वी हैड लाइक रामेन फॉर डिनर एंड दैट वाज इट। आज हम जा रहे हैं राइन फॉल्स देखने। नाउ दिस इज समथिंग दैट आई डिड नॉट इवन नो के यहाँ पर ऐसी कोई चीज है। आई नो इट्स फेमस बट लास्ट टाइम मैंने किया नहीं था, आई वॉजन इवन अवेयर। बट दिस टाइम फॉर आर ट्रिप का प्लानिंग आई हैड जस्ट गॉन ऑन हेड आउट एंड सीन ऑल द एक्सपीरियंसेस, रेड द रिव्यूज एंड दिस एक्सपीरियंस हैड अ लॉट ऑफ गुड रिव्यूज। हेड आउट इज दैट वन प्लेस दैट लिस्ट्स ओनली लाइक द बेस्ट एक्सपीरियंसेस फॉर यू इन एवरी लोकेशन दैट यू आर विजिटिंग। एंड सिंस आई डिडंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू प्लान दिस ट्रिप, आई जस्ट ट्रस्टेड देम विद माय बुकिंग्स। तो एक ही जगह पे मुझे सारे ऑप्शंस मिल गए कि ज्यूरिख से मैं ये कर सकती हूँ। और माउंट एटलस तो मैं गई हूँ, आई नो, सो आई हैव बुक दैट। ऑफ कोर्स वी आर गोइंग देयर टुमारो, बट राइन फॉल्स वाज एन एक्सपीरियंस आई वाजंट अवेयर ऑफ। आई सॉ इट, आई रियली लाइक द रिव्यूज एंड रियली लाइक द पिक्चर्स, सो वी आर गोइंग देयर। इट्स अ गाइडेड टूर और ये हाफ डे एक्सपीरियंस है। तो वो शुरू दोपहर के 1 बजे होगा। देयर इज अ बस टर्मिनल व्हिच इज अ मीटअप पॉइंट राइट नाउ, इट्स ओनली 10 AM बट वी आर गोइंग आउट एंड जस्ट exploring. There's this beautiful lakeside which is Limatka. I wish it was nice and sunny so we could have just sat at the lakeside and enjoyed the weather and enjoyed the lake, but dhoop to nahi hai. But phir bhi hum jayenge Limatka and we'll have a hot chocolate, which you know you get the best hot chocolate in Switzerland. It is a place known for its chocolate. Swiss chocolate is super super famous. And last time I Sprungli gayi thi, mujhe itni achhi nahi lagi thi, but I still feel like my mom and dad should experience Sprungli's hot chocolate. It's near Limatka only, to hum pehle wahan jayenge aur phir uske baad 1 o'clock jaise hi hoga we will meet the guided tour for the Rhine Falls at the meetup point. जब आप booking करो, you can read the reviews and understand के कैसा type का है, ये half day tour है, कितने घंटे लगेंगे and what all is included in the tour and all of that. After you book, you get like a meetup point कि ये meetup point पे आपको इतने बजे मिलना है. तो 1 बजे हमको Silhakai bus terminal पे मिलना है, which is the same bus terminal जहाँ से हम आए थे. I'm wearing this very cute outfit and we're all three twinning in white and black. So we've all planned our outfits and we're all three twinning in white and black. This is my father's fit. He's feeling very hot because इतने सारे थर्मल्स और हमने हीटर को एकदम क्रैंक्ड अप रखा है। वेरी स्मार्ट, आई लव दिस वन, वाज माय फेवरेट फ्रॉम हिज शॉपिंग। दिस इज माय मदर्स व्हाइट एंड ब्लैक फिट, व्हाइट ट्राउजर्स, ब्लैक टॉप एंड दिस इज, अच्छा देयर इज अ फुल साइज मिरर, लेट मी शो यू। एंड दिस इज माय व्हाइट एंड ब्लैक आउटफिट, दिस इज फ्रॉम आला मॉड, इट्स सुपर क्यूट। अंदर ऑफ कोर्स मैंने थर्मल्स पहने, ऊपर दिस इज अ पार्ट ऑफ द क्वाड्स एट दिस एंड द पैंट्स एंड देन मैंने थर्मल सॉक्स भी डाले। बहुत ठंडी है गाइस, मेरी सर्दी इज एट इट्स पीक राइट नाउ। मैंने डोलो लिया है, स्टीम लिया है सुबह से, बिकॉज वी आर पावरिंग थ्रू। जब भी मैं स्विट्जरलैंड आती हूँ बीमार पड़ती हूँ, सो इट्स लाइक अ थिंग ओनली नाउ। दिस वेदर डज नॉट सूट मी। ऊपर से मस्त आउटफिट चेक, नीचे आते के साथ जैकेट, ग्लव, कंटोप, एवरीथिंग हैज बीन लेयर्ड अप। आई एम फुल्ली पैक्ड इन माय जैकेट। ये वाला जैकेट मैंने ब्रूज के क्रिसमस मार्केट से ली थी एंड इट जिप्स अप ब्यूटीफुली। इट लिटरली पैक्स मी लाइक आई एम अ पॉलिथीन बैग, पूरा रैपिंग हो जाती है मेरी। बॉम्बे का गार्बेज, बॉम्बे का गार्बेज, यू नो व्हाट, यू आर पुटिंग उल्टा।
कि वाइट बाहर नहीं आएगा, वाइट अंदर आएगा, जो भी जैसा आ रहा है। चलो 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 चलो, तुम ही तो रुके हो। A few moments later. Yeah, this is old town of Zurich. There's a Lindt का head office here. पर जो Lindt का head office दिख रहा है, very pretty churches and all. मैं इधर पूरा चल के ना एक बस पकड़ी थी जो मेरे को Lindt chocolate factory लेके गई थी. I wanted new coats and I wanted to check North Face. We've come to North Face सबसे पहले. इतनी बारिश हो रही है ना. We are not able to sit anywhere outside. It's very cold. North Face is something I've seen all of the locals over here wear. So I thought इधर अच्छा बड़ा store होगा. It's quite the big store and display. Oh nice. Hello. I'm good. How are you? I want a puffer like this, but in this color. See this color, ma. Beautiful, no? है ना? Do you have this color in long? बारिश में भी वो करेगा और वार्म भी रखेगा आपको. द विंडशीट प्लस दिस लाइक ऑल आर मटीरियल्स आर आल्सो लाइक दैट बट दे वेरी हेवी. सो आई एम लुकिंग फॉर समथिंग मोर. इट्स सो सॉफ्ट दो. चेरी रेड इज आल्सो सो नाइस. आई वांट लॉन्ग कोट्स बट दिस इज सो नाइस. सो लाइट वेट आल्सो. इतना हल्का है, मतलब देखो इट्स सो लाइट वेट. फुल लेंथ नहीं है क्या? ओह वाओ, बट ये रखेगा मेरे को माउंटेड लिस्ट पे गरम. इंटरनल वाले भी लेने पड़ेंगे फिर, है ना? बट यूनिक्लो इधर समर कलेक्शन में है ना. A few moments later. थोड़ी सी धूप आई है गाइस. वी आर एट बानोफस्ट्रास. वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स, वी वेंट टू स्प्रुंगली, दैट इज दैट हॉट चॉकलेट वाला कैफे. बट फिर ऊपर का पूरा रेनोवेशन में तो बैठने की जगह भी नहीं थी. मे बी देयर विल बी अनदर स्प्रुंगली बिकॉज़ इट्स जस्ट अ कैफे. काफी जगह होगा. बट नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स लिमत का है और थोड़ी बारिश रुकी है तो वी कैन वॉक ऑल्सो ऑन दीज कॉबल स्ट्रीट्स ऑफ ज्यूरिख. Oh, I got my North Face jacket also. This is the beautiful Limmatkai. You can see the lake and you can see the churches and old town of Zurich. This building is where my previous Airbnb was. लिमत का है 70 और फिर यहाँ थर्ड फ्लोर से मेरा ये व्यू था ना. सुंदर. जो एंड द जूस से सैलेड या कुछ लेना है, ब्रेड सैंडविच अच्छा होता है. बोली ना ब्रेड नहीं चाहिए. तुम लोग को भूख तो लगी होगी ना, लेकिन अभी लंच पता नहीं राइनफॉल्स के उसमें क्या है. इधर तुम लोग की फोटोज लेनी थी मेरे को. स्वान को ठंडी लग रही है इसलिए वो ऐसा सोया है. देखो Yeah, and the other I'll take a spicy tuna. One Joe's Club, one spicy tuna, one chocolate brownie, one banana bread. Justin? No, I would rather take a coffee, please. A warm coffee. One eternity later. Thank you. Yeah, three people. Yeah. Thank you. फाइनली थोड़ी धूप लगी है. बहुत शिफ्टी वेदर है. थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है, फिर थोड़ी धूप आ रही है, तो हम धूप सेक रहे इधर. एंड वी हैव टेकन नाश्ता फ्रॉम जो एंड द जूस, तो वो खा रहे. ये हमारी बस है राइनफॉल्स लेके जाएगी. सुपर कन्वीनियंट. हम लोग सिलक आए बस टर्मिनल, जो सेम टर्मिनल से हम कल हमारी ट्रैम लेके एबीएनबी गए थे. सेम बस टर्मिनल पे वी हैड टू कम बैक बाय द ट्रैम. ट्रैम कम्युनिकेशन सुपर इजी बिकॉज ऑफ अवर स्विस पास. दिस वाज आल्सो बुक्ड ऑन हेड आउट, सो वेरी कन्वीनियंट. लाइक बिल्कुल भी हम लॉस्ट ही नहीं होते यहाँ पर, बिकॉज द ट्रैम इज सो वेल कनेक्टेड. देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ वॉकिंग आल्सो दैट वी एंड अप डूइंग, व्हिच इज ग्रेट फॉर माय मदर इंडिया बिकॉज She hates walking a lot, even if it's in Europe. Please share the sandwich with me, mother. Mm-hmm. This is like a private bus tour, huh? Because the tour is going to be guided. This guide is really nice. I like her. Long history. There was even once you inside the castle. Without boat, can enter right there where these people go. This is passed down to the water and was different. हाथ जम रहे और इन लोगों को चाहिए कि हम ये सब स्कैन करें. फोटो ले, फोटो ले. धक्का दे दो क्या? कितनी सुंदर है वो भी. आज जानते थे स्विट्जरलैंड. ज्योग्राफी पढ़े पर स्विट्जरलैंड नहीं जाते. तो कौन बताया तुमको? यशराज ने उसकी लव स्टोरी से, इसलिए हमारी भी लव स्टोरी.
स्विट्जरलैंड में हुई थी ना सुंदर है यार, मेरी फोटो कौन लेगा, फोटो ले करके निकल ली, कैसे माँ बाप है मेरे। I can't believe मैंने लास्ट टाइम नहीं देखी थी, too pretty. मेरे डैड ग्लव्स पहनने का, मेरी सर्दी ना मेरे सर में ही जम गई है अभी। I'm so glad कि बारिश रुकी है। Rainfalls are superb, you guys. Honestly, I'm not that much of a waterfall person because I don't chase waterfalls as often as I can in Maharashtra also. But these look so stunning. See, there are people who are going all the way till there. Mama, see? Look at her. She's standing there near the waterfall. Wow, crazy. मेरे को सर्दी और बुखार है बट फोटोज अच्छी आनी चाहिए तो मैंने जैकेट उतार दिया है। तो पहन लेना बेटा। फोटोज इज मोर इम्पोर्टेंट। अरे फोटोज आर नॉट इम्पोर्टेंट, फोटोज आर इम्पोर्टेंट। यहाँ पे आएंगे अच्छी फोटोज मस्त वाटरफॉल के साथ। ये देखो क्या सुंदर है। Largest waterfall of Europe. Do you think this was worth it, mother? Yes, of course. Wasn't it? It was so beautiful. Definitely worth visiting. Abhi thandi bhi kam lag rahi hai because dhoop aa gayi hai. Because there is sun. Yeah. I love chasing the sun. Yes guys, इधर Zurich में हर जगह tap water is drinkable, so you can just fill from these spouts. You don't have to pay money to get water. राइन फॉल्स के टूर के साथ वी ऑल्सो हैड स्टाइन अम राइन विच इज़ अ स्मॉल लाइक अ स्टोन विलेज। इट्स लिटरल मीनिंग्स में स्टोन विलेज विद द राइन रिवर, द राइन रिवर इज ओवर देयर एंड दिस इज द स्टोन विलेज। सो हियर वी आर, द गाइडेड टूर इज गोइंग ऑन ओवर देयर। इट्स अ पार्ट ऑफ द सेम थिंग जो बुक किया है मैंने। राइन फॉल्स के साथ यू ऑल्सो गेट दिस विलेज का एक्सपीरियंस, ओल्ड स्विस विलेज वाइब्स। लकीली द वेदर हैज बीन वेरी सपोर्टिव टू अस। जैसे हम यहाँ आते हैं वहाँ बारिश रुक जाती है। द ब्लूम्स ऑफ द समर आर सो प्रिटी। देयर आर सम चेरी ब्लॉसम्स ऑल्सो अलोंग द वे, हमने गाड़ी में देखा। वी सॉ द स्विस काउज एंड द गाइड इज रियली गुड, लाइक शी गिव्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। जब चल रहा होता है ना टूर तो बस में बैठे बैठे वो इन्फॉर्मेशन देती है माइक पे। क्या बताया? 13-14 सेंचुरी की बिल्डिंग्स है ये। It was about to fall, then they supported it. Yeah. What was the literal meaning of Steinem Rhine? Stone house, na? Stone house, yeah. Tumko topi chahiye thi na? Go for it. Swiss knives, Victorinox, ha. इधर ही तो है। यह मम्मी तुम्हारी काउबेल जो तुमको इतनी पसंद है। हां कितनी काउबेल्स है। यू बॉट इट ना? यस लास्ट टाइम। पेलिकन मदर इज किलिंग हरसेल्फ टू फीड हर चिल्ड्रन, सिंबल ऑफ मदरहुड। वेयर इज माय मदर? यू वांट काउबेल? बिल्कुल नहीं। क्या? नो बिल्कुल नहीं। काउबेल आई वांट। सॉरी आई थॉट यू आस्किंग मी यू विल किल योरसेल्फ फॉर व्हाट? टू फीड मी? या symbol of motherhood is not valid. Absolutely not. I gave enough what I had to give. Sara cheez de khatam hi nahi. Such a pretty town. Sa lag raha literally story book mein chal rahe na. Finally meri raat puri ho gayi. Ek church to dekhne mil gaya. Disneyland lag raha hai na, Disneyland. Ancient days wine press to press the grapes. तभी के जमाने में वाइन ऐसे बनती थी, ग्रेप्स को इससे प्रेस कर करके। शुरू हो जाओ पापा, अंगूर लाके दो। अपन ने साउथ अफ्रीका में देखे थे ना वाइनरी में पूरा बैरल वगैरह। दिस टाउन ऑफ स्टाइन एम राइन इज गिविंग मी फुल ब्रूज वाले वाइब्स, ओल्ड आर्किटेक्चर एंड एकदम रिटायरमेंट टाउन वाली वाइब है। अगर आपने यूरोप में ब्रूज नहीं कवर किया, यू डोंट इवन हैव टू, बिकॉज ब्रूज इज लिटरली लाइक दिस एंड यू जस्ट हैव ब्रांड्स नीचे इंस्टेड ऑफ रेस्टोरेंट्स एंड अ लिटिल बिगो देन दिस स्लाइटली बिगो। एंड रिवर भी है, जो रिवर हम एज पे थे, इधर भी रिवर है उधर भी है। सो इफ यू कम टू स्विस यू डोंट हैव टू गो टू ब्रूज। मजा आया स्विट्जरलैंड में? ओह माय गॉड, कैसा लगा तुझे? वाटरफॉल कैसा था? वाटरफॉल कैसा था?
हम लोग सुवेनिया शॉपिंग कर रहे हैं इधर से, पूरा पिकअप करता है। वाह, वी आर योर ओनली। मम्मी मैं ये ले लेती हूँ। तुमको कौन सी गाय चाहिए, गाय चाहिए कि मैप चाहिए? ये वाली गाय अच्छी लग रही है कि ये वाली गाय अच्छी लग रही है? ये वाली अच्छी लग रही है तो ली मैंने। तो मैप, मैप नहीं चाहिए। ओके, आवाज भी कैच करता है। हाँ, जेंडर वाइज आवाज। क्या क्यूट है। One eternity later. और गाइड हो गई है मम्मी। क्या बोल रही हो? एक बार आती तो मैं फ्लो हो जाती हूं। करेक्ट करेक्ट। क्या बोल रही थी तू? ये रेलवे स्टेशन ज्यूरिक आने का। ओके, फिर वहाँ से ये देख ज्यूरिक आने का। ओके, पहले इंडिया से ज्यूरिक आने का गाइस। नहीं, मतलब हम लोग तो ऑब्वियसली ना इंडिया से ज्यूरिक ही आएंगे ना, या फ्लाइट से आओ या फिर ट्रेन से आओ। नहीं, ट्रेन से। एक्सपर्ट टूर गाइड एक मिनट में चॉप हो गया। ट्रेन से ज्यूरिक कैसे हो गया? हम अभी जा रहे हैं, हमारा एक्सपीरियंस इज ओवर। दे ड्रॉप्ड अस बैक वाया द बस टू से लगाया। अभी हम रूम पे जाएंगे, ठंडी लग रही है। फॉर डिनर आई गॉट माई पेरेंट्स टू वन ऑफ माई फेवरेट रेस्टोरेंट्स इन ज्यूरिक विच इज लिलीज टेक आउट। देखो कितना फुल है, सारे लोकल जाते हैं इधर। एंड यू गेट लाइक इंडियन ऑप्शंस, एशियन, हर तरीके का एशियन। जब आप एशिया बोलो टेक्निकली आपको सब मिलना चाहिए, राइट? एडामामे किमची, स्प्रिंग रोल, समोसा। इन करीज दे ऑल्सो हैव लाइक अ पाकिस्तानी करी, दे हैव सम थाई करी, डिफरेंट थाई करी, चिकन टिक्का मसाला, इंडियन सब कुछ। सो इट्स रियली 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 गुड रेस्टोरेंट। मैं लास्ट टाइम आई थी एंड आई लव it, so I bought them also here because my father loves his Indian food and even I wanted like rice and gravy. What else you want? Salad, mangara. Ha, mangao. The raw. Hi, I'll take the curries come with rice, right? Which one? Lamb curry. Lamb curry is with rice. And masaman curry as well. Masaman curry is with rice. Yeah, extra rice on the side. So these two. And one salad, the raw. Can I just check? One second, huh? With salad. This is masaman curry, this is rice, this is lamb curry, Pakistani style. And this is salad Thai style. Fully Asian food. Let's dabao. Quarter plate mang sakte actually. It is literally 3 degrees in Zurich right now. But we are going back to our Airbnb. It's very cold. I took a new jacket today, but it's very cold. Jogging kar rahe hum log. Udhar kitna hoga? Jungfrau mein. Jungfrau mein. Kal hum Jungfrau ja rahe hain. I don't know. Alright guys, I'm gonna end the vlog right here. Switzerland has been beautiful so far. Today we are going to top of Europe to Jungfrau. बहुत जल्दी उठे और बहुत लंबा दिन होने वाला है, बहुत डिफरेंट और बहुत यूनिक एक्सपीरियंस होने वाला है जो मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगी। जितनी भी चीजें मैंने बुक की है सारे लिंक्स आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट व्हेन यू आर प्लानिंग योर ट्रिप। आई हाईली रिकमेंड दैट यू चेक द हेड आउट ऐप बिकॉज इट्स ट्रस्टेड बाय मी एंड यू गेट द बेस्ट लिस्टिंग्स ऑफ ऑल द थिंग्स यू वांट टू एक्सपीरियंस इन वन प्लेस। इफ यू लाइक दिस वीडियो, फिर अ बिग थम्स अप। 40 stars for sure goes to Bittu Chaudhary. Thank you so much for watching and supporting my channel. If you want to be part of next year's stars for sure, you know what to do. Hit subscribe button, bell icon right next to it. And also leave a comment down below saying hashtag Sara Squad and chance to be part of my next video, Sara Squad. I'll see you guys in another video. Bye guys, love you.